ये एक अपने आप में एक अनोखा ग्रुप है, जो कि हाईवे पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती थी, बड़े जैसे ट्रक हो गए, सुनसान रास्ते पे या ऐसी जगहों पर जहां पर ड्राइवर किनारे गाड़ी खड़ी करके रेस्ट करता रहता था, तो ऐसे ट्रकों को आइसोलेट कर लेते थे लोग, उसको टारगेट कर लेते थे। और उस ट्रक की जो खड़े ट्रक होता था, जिसमें इनको विश्वास हो जाता कि ड्राइवर सो गया है, क्लीनर उसका सो गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको, तो ऐसे में धीरे से जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके ये लोग वो उसकी जो उसकी पेट्रोल टैंक होता था या डीजल टैंक होता था, उसकी टंकी का ताला तोड़ के और साइफन करके इससे ये डीजल जो है चोरी करके छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उसमें भर लेते थे। और फिर जहाँ पर भी उनको सुविधाजनक जैसा भी होता, जब उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी में सारा स्टोरेज कर लिया कई जगहों से, इसको सुविधा अनुसार ये बेच देते थे। जहाँ से ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया इस जो गाड़ी जो चोरी की पकड़ी गई, जो संदिग्ध पकड़ी गई, इसके दो आरसी है, जिससे सिद्ध होता है कि गाड़ी अपने आप में संदिग्ध है। और इन सभी लोगों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक इतना ही हम लोग के उसमें आया, शेष बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? अभी तक चार लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से सबके पास से मोबाइल पकड़े गए हैं, एक के पास चापर पकड़ा गया है, कट्टा पकड़ा गया है और खोलने के उसके सारे औजार पकड़े गए। गैंग और लोग भी सदस्य, पूछताछ जारी है। जैसे भी और लोग जो प्रकरण चोर हैं या डीजल ही चोरी करते थे, बेसिकली ये डीजल चोर का एक गैंग है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन या उसके आसपास के जिलों से ही ये लोग चले हैं अपनी गाड़ियों का। और दूसरे राज्यों में भी करते थे ये? अभी तक की जाँच में इन्होंने ये बताया कि इसके अलावा ये लोग रास्ते में जो भी इनको इजिली टारगेट अवेलेबल हो जाता था, जहाँ पे भी जिस रास्ते में इनको ये गाड़ियाँ खड़ी मिल जाती थी और इनको लगता था गाड़ी में अब बिल्कुल सेफ हो गया, ड्राइवर हमारा उतर नहीं सकता, कंडक्टर सो रहा है, तो ऐसी गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। डिस्टेंस डीजल ही चोरी कर रहे थे, बैटरी भी चोरी कर रहे थे।